अय्यूब की पुस्तक अध्याय आठ, अय्यूब की पुस्तक अध्याय आठ। तब शूही बिल्दद ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेगी? क्या परमेश्वर अन्याय करता है तो क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे लड़के बालों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में भी तेरी बहुत बढ़ती होगी। अगली पीढ़ी के लोगों से तो तू पूछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कली ही के हैं और कुछ नहीं जानते और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें न कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात न निकालेंगे? क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा कीच बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो और काटी भी न गई हो तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है, उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए परंतु वह न ठहरेगा, वह उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु वह स्थिर न रहेगा। वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती है, उसकी जड़ कंकरों में ढेर में लिपटी हुई रहती है और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है। परंतु जब वह अपने स्थान पर से नाश किया जाए तब वह स्थान उसे यह कहकर मुंह मोड़ लेगा कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। देख, उसकी आनंदित भरी चाल यही है, फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख, परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और न बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा।